हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक हेल्दी सी डिश, वो भी नवरात्रों में, जिसको मैं स्टीम करके बनाऊंगी। तो आप इसको मोमोज भी बोल सकते हैं और टिक्की भी। तो चलिए, ये कैसे बनाई जाती है बनाना शुरू करते हैं। आधा चम्मच जीरा, सेंधा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालते हैं। इसको हाथों से ही मैश करना है, एक डो की तरह होना चाहिए ये। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमारा ये मैश हो गया है। 5 मिनट के लिए इसको साइड रख देते हैं। अब इसके लिए बनाऊंगी मैं दही और आलू का रायता। तो ये मैंने 1 कप दही ली है, मैंने इसको फेंट लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं आलू बारीक कटा हुआ, ये मैंने उबला हुआ आलू लिया है, सेंधा नमक मिक्स करेंगे। अब इसके लिए बनाएंगे एक तड़का। तो गैस पर रखेंगे एक पैन, और पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, और ये जो तड़का होगा ये स्टफिंग के लिए और रायते के लिए तैयार होगा। तेल गर्म होने के बाद जीरा, हरी मिर्च, तो जीरा हमारा भुन गया है। अब 1 चम्मच तड़का इसके अंदर से निकालूंगी मैं, और जो हमारा ये रायता था उसके अंदर डाल देंगे और इसको साइड कर देंगे। अब स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू, और इनको मैं हाथों से मैश कर लूंगी। आलू को इस तड़के के अंदर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, जो प्लेट में बचा हुआ था सेंधा नमक। तो सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे। और अब गैस को कर दूंगी बंद, और एक पैन रख देंगे, और उसके ऊपर रख देंगे एक छलनी ऑयल लगा के। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। तो मैंने भगोने के अंदर पानी रख दिया है, और इस तरह की एक चंदी लेंगे और उसके अंदर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि साबुदाना बहुत जल्दी चिपकता है। तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। तो सभी को तैयार कर लूंगी। तो सभी हमारी रेडी हो गई हैं। अब लेंगे साबुदाना जो हमने मैश किया हुआ है। अब इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसको फैला लेंगे। चाहे तो आप पहले हाथों को चिकना कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो हमारी बॉल है ये उसके अंदर स्टफ कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए, एक बॉल हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं और भी बना लूंगी। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। बहुत आराम से हो जाता है। और ये वाली जो एक आलू की बॉल है वो इसके अंदर स्टफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने 2 बॉल्स बनाई हैं, एक टिक्की बनाई है। टिक्की को किस तरह से बनाना है, इस तरह से फैला लेंगे पहले, और इस तरह से इस टिक्की को फ्लैट कर लेंगे, और उसके ऊपर दूसरी रख देंगे। अब इसको इस तरह से बंद करना है। ये देखिए, टिक्की हमारी रेडी हो गई है। अब करेंगे हम इनको स्टीम। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसको करेंगे स्टीम। 5 से 7 मिनट मैं इसको स्टीम करूंगी, और जितनी जगह है उतनी ही रखें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो मैंने ये 3 रखी हैं,
और अब मैं कर दूंगी इनको कवर। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखते हैं ये हमारे स्टीम हुए हैं या नहीं। तो हमारे जो बॉल्स हैं या मोमोज हैं, टिक्की है, वो अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो इनको आराम से निकाल लेंगे और ये देखिए हमारी जो टिक्की है कितनी अच्छी तरह से स्टीम हुई है। तो सभी को मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी और भी स्टीम हो रही हैं और ये हमारी तैयार हो गई हैं। आप चाहे तो इनको हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे खाएंगे तो ये हेल्दी होगी और थोड़ा सा भी ऑयल डालेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन ये ऐसे ही टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मोमोज और टिक्की हमारी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही हैं। और मैंने इसके साथ आलू का रायता भी बनाया है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और व्रत में खाया भी जाता है। और ये मैंने धनिया की चटनी बनाई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।